मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ यशी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार। शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ और अपने दिन की शुरुआत को बेहतरीन बनाते हैं, क्योंकि जब ज़िंदगी में हर दिन बेहतर जाता है तो ज़िंदगी अपने आप ही बेहतरीन हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी एक रंगमंच है जहां पर हमें हर दिन हर पल हमें एक नए किरदार निभाने पड़ते हैं और बेहतरीन तरीके से निभाने पड़ते हैं। थक जाते हैं हम अक्सर इन सारे किरदारों को निभाते, लेकिन फिर जिम्मेदारियाँ ऐसी चीज़ होती हैं कि हमें ये किरदार निभाने ही पड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस नए सफ़र के साथ। चलते हैं आज फिर एक नए सफ़र की ओर। आपकी ऐसी प्रस्तुत है आज फिर एक नए सफ़र के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ होगा, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। और आपके प्यार और आशीर्वाद से आपकी यशी भी बहुत ठीक है। तबीयत में अब थोड़ा सुधार आ रहा है, क्योंकि आपको तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि मेरा गला बैठ चुका है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए अब आप सबके आशीर्वाद और प्यार से आपकी यशी भी ठीक है। सो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं एक नए पॉजिटिविटी थॉट्स के साथ, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, ज़िंदगी में आगे वही बढ़ते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, ज़िंदगी में आगे वही बढ़ते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ज़िंदगी को रंगीन कहा गया है दोस्तों, क्योंकि ये हमें कई रंग दिखाती है। कभी ज़िंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना सिखाती है, कभी हम हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो कभी निराश भी हो जाते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मंजिल सिर्फ़ एक कदम ही दूर होती है और हम पहले से ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमें प्रेरित रहना, हौसला बनाए रखना और कभी भी हिम्मत ना हारना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये समय बहुत मुश्किल होता है, खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है, हमेशा अपना मन मजबूत बनाकर ही हमें आगे बढ़ना है। अपने आप को तकलीफ़ में, अफसोस में, पछतावे में नहीं रखना है दोस्तों। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम आ गए हैं किचन में और मेरी आवाज़ एकदम गला पड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैंने पानी रख दिया है गैस पे गर्म करने के लिए, नमक और पानी गरारे के लिए। और आज मुझे कॉलेज जाना है। मैंने आप सबको बता रखा है मेरा BTC कंप्लीट हो गया है, टेट सी टेट भी, लेकिन उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बैठ के करेंगे क्या। तो मैं BEd का एंट्रेंस दिया था, रैंक मेरा बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए रैंक बहुत अच्छा था, तो मैंने BEd में भी एडमिशन ले लिया है। सो गाइज, मैं वही आज BEd में परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है तो इसलिए मुझे कॉलेज भी जाना है। तो थोड़ा जल्दी उठ के मैं अपने नाश्ते का काम फिनिश कर रही हूँ और मैंने सोचा कि थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ और कॉलेज चली जाती हूँ। फॉर्म फिल करके आऊँगी तो फिर कुछ बनाएंगे खाएंगे, क्योंकि कॉलेज मेरा बहुत दूर है और आप समझ ही सकते हो सबसे बड़ी चीज़ है मेन रोड से कॉलेज काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो मेरा पानी गर्म हो गया है और अब मैं पानी पी रही हूँ, क्योंकि पापा मेरे बोलते हैं कि गला, दवा भी मैंने लिया तो ठीक नहीं हो रहा है, तो वही घर का देसी नुस्खा।
बस वही नमक और पानी का गरारा करना है और गर्म पानी नमक और पानी को पीना है। इससे तो काफ़ी आराम मिल गया है मुझे, आवाज़ में भी फ़र्क लग रहा है। और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अब नाश्ते में मैं सुबह सुबह क्या ही बना के जाऊँगी, और अकेले रहती हूँ तो आप सबको पता ही है कि जब तैयारी कर रहे हो पढ़ने के लिए ना, वैसे सुपर टेट की तो तैयारी चल ही रही है, तो तैयारी करते रहो पढ़ने के लिए, तो खुद घर में रहो तो मम्मी दादी दीदी भाभी सब हेल्प कर देती हैं, सबसे मिल जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। बट अपना स्ट्रगल तो खुद ही करना पड़ता है ना भाई, तो अपने लिए तो उठना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो क्या करोगे, भूखे ही रहोगे। तो बस वही मैं चाय बना रही हूँ, और चाय बनने के बाद मैं थोड़ी सी थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, जर्नी के लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है। वही मैंने कहा कि हमें उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, खून पसीना एक करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं आ रही है, डिग्री भी कंप्लीट है, क्योंकि घर में सब लोग कहते हैं घर में छोड़िए, घर में तो फिर भी सब सपोर्ट करते हैं, खास करके मेरे पापा, मेरी बहन मेरा बहुत साथ देती है, बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो रिश्तेदार होते हैं, वो घर वालों को अजीब अजीब ख्यालों से भड़काते रहते हैं, मतलब कब तक पढ़ती रहेगी, कितना पढ़ाओगे, अभी भी कितना पढ़ेंगी, तो शादी कर दो, ऐसा वैसा। तो आप सोच सकते हो कि मन पे अलग सा एक बोझ बन जाता है, इसीलिए मैं अलग रहती हूँ, अलग पढ़ाई कर रही हूँ। सुपर टेट की तैयारी चल रही है, लेकिन आज तो बीएड का फॉर्म भरने जाना है, इसलिए मेरी चाय और नमकीन बिस्किट रेडी हो चुका है गाइस। मैं नाश्ता करती हूँ, और उधर चाय के बर्तन भी है, बस थोड़ा सा कुकर वगैरह भी है, तो अब मैं फॉर्म भरने जाऊंगी। अगर मैं इधर काम करने लग गई, खाना वगैरह बनाने लग गई, तो बहुत लेट हो जाएगा, आप समझ ही सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता कर लूँ तो मुझे नहा धो के नहाना भी है, मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं अब रेडी हो रही हूँ कॉलेज के लिए, क्योंकि लेट हो जाएगा तो उधर से आने में काफ़ी शाम हो जाएगी, और फिर पापा से बहुत डांट खानी पड़ती है कि अकेले रहते हो, और मतलब टाइम से जाया करो, टाइम से आ जाया करो। इस वजह से मुझे सब कुछ टाइम टू टाइम करना पड़ता है, क्योंकि अब घर के बड़ों से डांट खाना तो कभी कभी अच्छा भी लगता है कि डांट खाने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि उनका डांटना भी जायज ही होता है, क्योंकि आज समाज को देखते हुए माँ बाप की चिंता जायज होती है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रख ली हूँ, और बस निकलने की देरी है, मैं निकल रही हूँ। सो बसंत पंचमी का प्रसाद रखा था, तो मैंने सोचा कि खा लेते हैं, खा के पानी पी के अब निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो अब मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ, बस पानी पी के निकलने ही वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है और कॉलेज भी पहुंचना है, फॉर्म वगैरह भी फिल करना है, उसके बाद फिर रिटर्न आना भी है। और अब मैं अपना रूम लॉक करूंगी, उसके बाद बस निकल रही हूँ। सो गाइस देखो मैं निकलने वाली हूँ, मैं बन गई हूँ डाकू, और अब मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। सो बस आप लोगों का साथ और प्यार ऐसे बना रहेगा, तो आप बस ऐसे वीडियो में लगती वीडियो को देखते रहिए, आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अब मैं डाकू बन चुकी हूँ पूरी तरीके से, और निकल रही हूँ कॉलेज जाने के लिए। अभी मैं आगे जाऊँगी, ये तो गली है, अभी आगे जाएंगे तो मुझे रिक्शा करना होगा, मेन रोड पे जाना होगा कॉलेज वाले, उसके बाद मुझे वहाँ से साधन पकड़ना होगा। और आपको पता है कई मुझे साधन नहीं मिला, इस बार मैं पिछली बार गई थी तो टैक्सी से निकल गई थी, बट इस बार टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, तो मुझे रिक्शे से ही जाना पड़ा था, और कॉलेज इतना दूर है, इतना दूर है कि मुझे रिक्शे का सहारा लेना पड़ा, और मैं बोर हो गई थी। लेकिन मैं आपको कॉलेज जाते टाइम बहुत सारा मनोरम दृश्य दिखाएंगे, बहुत ही मनोरम, एकदम सुंदर, आप देखिएगा, बहुत प्यारा लगेगा।
देखिए ये दृश्य कैसे लग रहा है आप लोगों को। हरे भरे खेत, खलिहान, पेड़ पौधे, गेहूँ है खेतों में, सबसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। ऐसे मतलब ऐसे माहौल, ऐसे दृश्य देखने को बहुत अच्छे लगते हैं। अब योगी जी के द्वारा बैठे हुए गैया वगैरह है, हम आप सबको दिखाते ही ये दृश्य। तो मेरे कॉलेज जाते टाइम पड़ता है मंदिर का भक्ति धाम, तो आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये भक्ति धाम। और यहाँ की छोटी 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 दुकानें जो कितना ही मनोरम दृश्य लेके आप तस्वीर है, ये हमारा भक्ति धाम राधे राधे। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, और रखना भी चाहिए। आप ख्याल रखिए, हम भगवान से प्रे करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे एनर्जी और जोश के साथ, नए उमंग के साथ अपने जीवन के जीते रहें, और ढेर सारे पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप अपने दिन में आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में। ये है मेरे कॉलेज की लंबी सी रोड। सो फाइनली गाइस, आपने कॉलेज आ ही पहुँच ही रहे हैं। आपने देखा मैं कितनी दूर से ट्रेवल करके आ रही हूँ। यहाँ से तो पास में दिख रहा है कॉलेज, बट अभी काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। सो मैं दिखा रही हूँ आप, कॉलेज की बिल्डिंग दिख रही है वो, पर ये बैक साइड से है और हमको अभी पैदल चलना पड़ेगा। ऐसे ही लंबी सड़क है, अभी करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर मैं कॉलेज पहुंच रही हूं। ये सब स्टूडेंट ही हैं, सब जा रहे हैं कॉलेज। फाइनली ये सब स्टूडेंट हैं। हरे भरे खेत कॉलेज के पास में ही हैं, अब देख सकते। फाइनली हम अपने कॉलेज आ गए, फाइनली कॉलेज आ गए हैं। ये कॉलेज में ढेर सारी भीड़ दिख रही है क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है, और मैं कॉलेज के अंदर एंटर करती हूँ और अपना फॉर्म फिल करती हूँ, फिर मैं रिटर्न अपने घर आती हूँ। फाइनली गाइज हम आ गए कॉलेज से, अभी आ रहे हैं। थक गए गाइज, बहुत थक गए। मैं कॉलेज जाते टाइम ना बहुत पैदल चलना पड़ता है। कॉलेज से आने के बाद अब मैं ड्रेस चेंज भी कर रही हूँ, और उसके बाद मैं कुछ बनाऊँगी क्योंकि सुबह से ही निकली थी तो भूख बहुत तेज़ लगी है गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं बिना कुछ खाए ही गई थी, सिर्फ चाय पी के। इतना जल्दी समय बीत जाता है। अब बंद करती हूँ, अपना इन करती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं तक, कल मिलते हैं नए जोश के साथ। आप ये ब्लॉग यहीं तक, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक नए